हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आपको पिछले वीडियो में अपना ट्रेडिंग सेटअप दिखाया हुआ था, वहां पर मैंने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से मैं ट्रेडिंग करता हूं, कितने डिवाइसेस का यूज करता हूं, किस तरह से मैं एक डीमेट अकाउंट को मल्टीपल डिवाइसेस में लॉग इन करके रखा हुआ हूँ। तो उस वीडियो में मैंने आप लोगों को सारी चीजें अपना सेटअप दिखाया हुआ था एंड उसमें मैंने आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग में लाइव करके दिखाया हुआ था, कैसे प्रॉफिट करते हैं, कैसे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं, सारी चीजें मैं आप लोगों को वहां पर बताया हुआ था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिएगा। उस वीडियो के अंदर आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया कैसे आप एक डीमेट अकाउंट को मल्टीपल डिवाइसेस में लॉग इन कर पाते हो। लाइक अगर हमारे पास एक डीमेट अकाउंट है अपस्टॉक के अंदर, तो मैं उसी अपस्टॉक एप्लीकेशन को इसके अंदर भी लॉग इन कर लूंगा और इसके अंदर भी लॉग इन कर लूंगा और दोनों को एक साथ यूज करते हुए मैं इस डिवाइस के अंदर अपने पीएनएल को देखूंगा और इस डिवाइस के अंदर मैं अपने ऑर्डर्स को प्लेस करूंगा, यानी कि ऑर्डर्स को बाय करने के लिए, ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, सेल करने के लिए, तो इन सब के लिए एक अलग डिवाइस का यूज करता हूँ। तो इस तरह से कैसे आप भी कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहां पर देखिए, मेरे सामने दो डिवाइसेस अवेलेबल है। एक डिवाइस के अंदर अपस्टॉक एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है और यहां पर अपस्टॉक एप्लीकेशन का डीमेट अकाउंट भी लॉगिन है और इस वाले डिवाइस के अंदर अपस्टॉक एप्लीकेशन भी इंस्टॉल्ड नहीं है। तो यहां पर मैं इंस्टॉल अभी आपके सामने करूंगा और यहां पर मैं लॉगिन करके भी दिखाऊंगा। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो डिवाइस है वो फ्लाइट मोड में अवेलेबल है, यानी कि यहाँ पर कोई भी सिम कार्ड अवेलेबल नहीं है इस वाले मोबाइल फोन के अंदर। फिर भी मैं यहाँ पर लॉगिन करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, कई सारे ऐसे बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता है कि एक डीमेट अकाउंट को मल्टीपल डिवाइसेस में लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं इस वाले डिवाइस के अंदर भी सेम डीमेट अकाउंट को लॉगिन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अपना डीमेट अकाउंट दिखा देता हूँ कि कौन सा यूजर यहाँ पर है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इस वाले मोबाइल फोन के अंदर अपस्टॉक एप्लीकेशन को इंस्टॉल्ड करने के लिए यहाँ पर लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपस्टॉक एप्लीकेशन सर्च कर लेता हूं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं मैं इंस्टॉल कर रहा हूं आपके सामने, और जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक मैं आपको इस वाले डीमेट अकाउंट को ओपन करके आपको लॉगिन करके दिखा देता हूं। तो इस तरह से आप ओपन करते हैं, फिंगरप्रिंट इंटर करते हैं, इसके बाद आपका ये जो डीमेट अकाउंट है वो लॉगिन हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट्स के अंदर आएंगे तो आप यहाँ पर देखिए, मेरा अकाउंट आईडी आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ। ये सेम आईडी को मैं यहाँ पर इस वाले मोबाइल फोन के अंदर भी लॉगिन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं ओपन पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर शो कर रहा है। अगर ये मोबाइल नंबर सिलेक्टेड है तो डेफिनेटली आप इसको क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज अगर आपका कोई और मोबाइल नंबर से यहाँ पर आपने डीमेट अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है तो उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेता हूँ। इस तरह से मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ओटीपी मांगेगा। तो जिस भी मोबाइल नंबर पर आपने यहाँ पर डीमेट अकाउंट ओपन किया हुआ है उसी मोबाइल नंबर पर आपका यहाँ पर ओटीपी जाएगा या फिर इस ईमेल आईडी पर आपका ओटीपी जाएगा। तो उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करके वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ, इस मोबाइल फोन के अंदर मेरा सिम अवेलेबल है तो मैं यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओटीपी हम लोगों को अभी के अभी रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर मैं ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी इंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट का पिन इंटर कर लेना है, जो भी आपने डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद अपना पिन सेट किया होगा। यहाँ पर जैसे आप फिंगरप्रिंट इंटर करते हो, जैसे लाइक यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे आपने यहाँ पर इंटर किया, ठीक है, आपका अगर फिंगरप्रिंट नहीं है तो आप यहाँ पर 6 डिजिट का पिन आप कैसे इंटर करोगे। तो यहाँ पर जो पिन आप इंटर करते हो सेम वही पिन आपको यहाँ पर इंटर करके लॉग इन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर पिन भी इंटर कर लेता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर पिन इंटर कर लेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर पूछेगा कि क्या आप फिंगरप्रिंट सेट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर सेट करना चाहता हूँ, अगर फिंगरप्रिंट का अवेलेबल है यहाँ पर सर्विसेज, तो इस मोबाइल फोन के अंदर है फिंगरप्रिंट अटैच करने का ऑप्शन, तो मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। सिंपल एक बार में यहाँ पर अटैच हो जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन हो चुका है हमारा, सेम डीमेट अकाउंट है। मैं यहाँ पर आपको अकाउंट्स के अंदर आकर के आपको इसका यूजर आईडी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा यूजर आईडी ध्यान से, ये वाला यूजर आईडी जो कि सेम अपस्टॉक एप्लीकेशन का है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं डार्क मोड से हटा करके आपको अच्छे से क्लियर दिखा देता हूँ। तो यहाँ प्रोफाइल के अंदर आएंगे, सेटिंग में आ जाएंगे और यहाँ से थीम को सिलेक्ट कर लेंगे लाइट मोड में। तो यहाँ पर ये लाइट मोड में आ गया है और अभी आप यहां पर देख सकते हैं अकाउंट्स दोनों मोबाइल फोन के अंदर सेम डीमेट अकाउंट मैंने लॉगिन कर लिया है। ऊपर की तरफ आप यहां पर यूजर आईडी देख सकते हैं, ठीक है, सेम यूजर आईडी है आपको। आज का यहां पर अपना डिटेल दिखा देता हूं, ठीक है, पोर्टफोलियो का। तो यहां पर आप देख सकते हैं आज के दिन में मैंने यहां पर ट्रेड लिया हुआ था तो वो मेरा पोर्टफोलियो है,
ठीक है। और इसी पोर्टफोलियो के बारे में, इसी प्रॉफिट के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया हुआ था, जिसमें आप लोगों ने इसके बारे में पूछने के लिए कमेंट किया हुआ था। तो उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस ट्रेड का आपको डिटेल अगर आपको देखना होगा तो। तो इस तरह से आपको एक ही डीमैट अकाउंट को मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर लॉगिन करना होता है। अगर इसके अलावा एकाध और मोबाइल होता तो उस मोबाइल के अंदर भी हम लोग इसी तरह से लॉगिन कर पाते, ठीक है। जैसे आप अपस्टॉक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद आपके उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डाल करके वेरीफाई कर लेना है, फिंगरप्रिंट इंटर करके या फिर पिन इंटर करके आपको लॉगिन कर लेना। तो आपका यहाँ पर सेम डीमैट अकाउंट मल्टीपल डिवाइसेस में आपका लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं पीएनएल देखूंगा, ठीक है, जब मैं ट्रेड करूंगा लाइव मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर मैं एक डिवाइस के अंदर पीएनएल देखूंगा और दूसरे डिवाइस के अंदर यहाँ पर क्लिक करके मैं एग्जिट वाला बटन क्लिक करके और एग्जिट करने के लिए रेडी रहूंगा। तो जैसे ही देखूंगा मेरा प्रॉफिट, मेरा टारगेट अचीव हो चुका है, तो मैं इस वाले डिवाइस के अंदर एग्जिट बटन क्लिक करूंगा तो यहाँ पर भी मेरा एग्जिट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक ही डिवाइस का यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट दिखा रहा होगा, फिर आप क्लिक करके अगर आप एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो आपका अलग पेज पर ओपन हो जाएगा, तो आपको वहां पर प्रॉफिट एट द टाइम नहीं दिख पाएगा, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। बट अगर आप मल्टीपल डिवाइसेस का यूज करते हैं एक ही डीमैट अकाउंट को लॉगिन करके और वहां पर आप ट्रेड करते हैं इस तरह से, तो आपको ज्यादा हेल्पफुल होता है, आप वहां पर अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं, आप सही टाइम पर एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ेगा, ताकि मैं आप सभी के लिए और भी इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस लेकर के आता रहूं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर सकें। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।